Always get true knowledge and be aware from propaganda, fake and half information. My video contains reliable information, so subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Thanks. हेलो गाइस, आई एम डीआरएक्स रवि और आज हम खुल के बात करने वाले हैं मास्टरबेशन यानी कि हस्तमैथुन के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस टॉपिक पर ऑलरेडी यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी, जिसमें से कुछ सही हैं और कुछ तो ऐसी हैं जिनको देखने के बाद आपका दिमाग ख़राब हो जाता है। एक तो आधी जानकारी दे रखी है, ऊपर से इतना उल्टा सीधा बता रखा है, जैसे कि मास्टरबेशन करने से आप नपुंसक बन सकते हैं, आप अंधे हो जाएंगे, आपके बाल गिर जाएंगे, आपका वीर्य ख़त्म हो जाएगा और आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते इत्यादि। तो आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड सारे A to Z डाउट्स क्लियर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि हस्तमैथुन क्या होता है, कैसे करते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, कितना करना सही होता है, कितना करना गलत होता है, बिल्कुल ना करने से क्या होगा और ज़्यादा करने से क्या होगा, क्या लड़कियां भी हस्तमैथुन करती हैं, क्या हस्तमैथुन करने से प्रेगनेंसी हो सकती है, क्या हस्तमैथुन से STD बीमारी हो सकती है, क्या हस्तमैथुन करने से बच्चा पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है, क्या हस्तमैथुन करने से नज़र कम हो जाती है, हस्तमैथुन करने से दिमाग पर क्या असर पड़ता है। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल में जानेंगे आज। तो हमारा पहला टॉपिक है हस्तमैथुन क्या होता है। हस्तमैथुन का मतलब आप अपने ही जेनाइटल अंगों को यानी कि सेक्स पार्ट जैसे कि पेनिस यानी लिंग और वजाइना यानी योनि को आप खुद ही टच करते हो और सेल्फ सेक्सुअली सेटिस्फाई होते हो। आप दूसरों को मास्टरबेट करने में मदद कर सकते हो। हस्तमैथुन सभी यंग मेल और फीमेल करते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल और नेचुरल प्रोसेस है। नॉर्मली सारे लोग करते हैं और करना भी चाहिए, ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हस्तमैथुन कैसे करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि मास्टरबेट करने का कोई भी सही या गलत तरीका नहीं होता है, आपको जैसे ज़्यादा अच्छा लगता है आप वैसे कर सकते हैं। नॉर्मली मेल अपने पेनिस यानी लिंग के अगले हिस्से को रब करके करते हैं, क्योंकि पेनिस का अगला हिस्सा ज़्यादा सेंसिटिव और जी स्पॉट एरिया होता है, और फीमेल नॉर्मली अपनी वजाइना यानी योनि के आसपास या क्लिटोरिस को रब करके करती हैं या फिंगर को वजाइना के अंदर डालकर करती हैं। क्लिटोरिस फीमेल का जी स्पॉट एरिया होता है। जी स्पॉट एरिया मतलब कि जिसको टच करने से उत्तेजना आती है। फीमेल में क्लिटोरिस होता है, ये आप देख सकते हैं फोटो में, और मेल में अगला हिस्सा होता है पेनिस का अगला हिस्सा, हेड जिसको बोलते हैं, वो जी स्पॉट एरिया होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हस्तमैथुन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हस्तमैथुन करना नेचुरल और नॉर्मल प्रोसेस है, ये कोई भी गलत काम नहीं है, बट लिमिट में। लिमिट में हस्तमैथुन करने से कोई भी किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होती है, बल्कि माइंड रिलैक्स रहता है और बॉडी हेल्दी रहती है। हम नॉर्मल लिमिट के बारे में नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कितना करना सही होता है या कितना करना चाहिए या नॉर्मल रेंज क्या होती है, कितना करें जिससे कोई नुकसान ना हो। तो अगर हम बात करते हैं नॉर्मल रेंज की, वो है महीने में 2 बार। अगर आप महीने में 2 बार मास्टरबेशन यानी हस्तमैथुन करते हैं तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो कभी आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी। बाकी डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर और आपकी खुराक के ऊपर। अगर बीच में आपका मन कर रहा है, स्ट्रांग फीलिंग आ रही है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट कभी कभी मैं करूँ, कभी कभी जब आपको स्ट्रांग फीलिंग आए और जब आपका मन कर रहा हो करने का तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट विदाउट फीलिंग कभी नहीं, पता लगे आपका मन कर नहीं रहा, आपको करने में मज़ा आ नहीं रहा है, फिर भी आप करे जा रहे हो, उसका बहुत नुकसान है। तो विदाउट फीलिंग ना करें। नेक्स्ट टॉपिक है कितना करना गलत होता है या फिर कितनी बार करना गलत होता है। तो इसका आंसर है रोज़ रोज़ या फिर एक ही दिन में कई बार या हफ्ते में कई बार। अगर आप इतना करते हो तो गलत है, ऐसा करने से आपको थोड़ी बहुत टेम्परेरली प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर आप इसको कम नहीं करते हो तो आप OCD के शिकार हो सकते हो। OCD क्या होता है आगे आने वाली टॉपिक्स में बताऊंगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिल्कुल ना करने से क्या होगा। अगर कोई बिल्कुल मास्टरबेशन या हस्तमैथुन ना करे तो क्या होगा, इसका आंसर है ओवरफ्लो होकर अपने आप ही बॉडी से बाहर निकल जाएगा, बिकॉज बॉडी तो कंटिन्यू स्पर्म बनाती रहती है, जितनी स्टोरेज कैपेसिटी होगी उतना तो स्टोर हो जाएगा, जैसे ही ज़्यादा होगा वो अपने आप ही डिस्चार्ज हो जाएगा, बिकॉज हॉर्मोन्स ने और बॉडी ने तो अपना बैलेंस मेंटेन करना होता है। स्टोरेज कैपेसिटी होती है 5 to 7 ml, इससे ज्यादा होगा तो अपने आप ही ओवरफ्लो हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ज्यादा करने से क्या होगा। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करते हो, इतना ज़्यादा कि आप बिना मास्टरबेट किए रह नहीं सकते हो, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मतलब कि आपको आदत पड़ चुकी है, आपको लत लग गई है। इस कंडीशन में आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि एडिक्शन बनने ही ना दो, अपने आप को नॉर्मल रखो, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में तो आपको पता है खाना भी खराबी करता है,
इसलिए ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा से कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपना नॉर्मल रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना नेक्स्ट टॉपिक है, क्या लड़कियाँ भी हस्तमैथुन करती हैं? हाँ, लड़कियाँ भी हस्तमैथुन करती हैं, बिल्कुल करती हैं। और कैसे करती हैं ये भी बता चुका हूँ पिछले टॉपिक में। अपना नेक्स्ट टॉपिक है, क्या हस्तमैथुन करने से प्रेगनेंसी हो सकती है? इसका आंसर है नहीं, बट एक चांस होता है जब मेल फीमेल एक दूसरे को मास्टरबेट कर रहे हों और फीमेल का फर्टाइल पीरियड चल रहा हो, अगर उस टाइम फिंगर या कैसे भी स्पर्म अगर वजाइना के अंदर चला जाए तब हो सकती है, बहुत रेयर चांस होता है। अगर आपको फर्टाइल पीरियड के बारे में जानना है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, क्या हस्तमैथुन से STD बीमारी हो सकती है? इसका आंसर है वैसे तो नहीं, बट अगर इन्फेक्टेड पर्सन एक दूसरे को मास्टरबेट कर रहे हों या फिर इन्फेक्टेड मास्टरबेटिंग टॉयज यूज़ कर रहे हों तब हो सकती हैं। ये है मेल सेक्स एंड मास्टरबेशन टॉयज, जिससे कि मेल सेक्स या फिर मास्टरबेट करते हैं। अगर आप ये किसी दूसरे का यूज़ करते हैं और उस पर्सन को STD बीमारी है तो आपको भी होने के चांसेस हो सकते हैं। और ये है कुछ फीमेल सेक्स एंड मास्टरबेशन टॉयज, जिससे कि फीमेल सेक्स या फिर मास्टरबेट करती हैं। अगर आप भी ये किसी दूसरे इन्फेक्टेड का यूज़ करेंगे तो आपको भी STD बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है, क्या हस्तमैथुन करने से बच्चा पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है या फिर नपुंसक हो जाते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मास्टरबेट करने से बच्चा पैदा करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक है, क्या हस्तमैथुन करने से नज़र कम हो जाती है? इसका आंसर है नॉर्मल कंडीशन में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा करने पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी बॉडी की कैलोरीज घटने के कारण, वो भी टेम्परेली, बाकी बालों से इसका कोई लेना देना नहीं है। अपना नेक्स्ट टॉपिक है, हस्तमैथुन करने से दिमाग पर क्या असर पड़ता है? मास्टरबेट का दिमाग पर गुड और बैड दोनों इफेक्ट पड़ते हैं। अगर आप नॉर्मल करते हो तो दिमाग पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है, बल्कि माइंड रिलैक्स रहता है। और दूसरा, अगर आप ज़्यादा आउट ऑफ लिमिट करते हो तो इसका बुरा असर भी देखने को मिलता है, जैसे कि कमजोरी, थकावट, काम करने में मन ना लगना, चक्कर आना, अकेले रहना इत्यादि। तो गाइज, अब फाइनली बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर कि आखिर क्यों करते हैं मास्टरबेशन यानी हस्तमैथुन। तो मास्टरबेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि सारे युवाओं में डिज़ायर उत्पन्न होती है। जब उनकी बॉडी में सेक्स हार्मोन रिलीज होना शुरू होते हैं तब उनका मन अपने सेक्स पार्ट को छूने और जानने का मन होता है, जिससे उनको मजा आता है, प्लेजर मिलता है। बस तभी से वो धीरे धीरे शुरू कर देते हैं मास्टरबेट करना। तो गाइज, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा स्पर्म डोनेशन के ऊपर। जी हाँ, स्पर्म डोनेट, जैसे कि ब्लड डोनेट करते हैं वैसे स्पर्म भी डोनेट करते हैं, उसके लिए क्या क्या फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, स्टे हेल्दी।